इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से, जहां पे उसूर के तर्रेम इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीआरपीएफ की 153 बटालियन के हैं सभी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे आईईडी ब्लास्ट में 5 जवान घायल हो गए हैं और एरिया डोमिनेशन के लिए सुबह निकली थी टीम। सीआरपीएफ की 153 बटालियन के हैं सभी जवान और तर्रेम और गुंडम के बीच की घटना है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं बीजापुर से, जहां पे जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लाया गया था आईईडी। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, एरिया डोमिनेशन के लिए सुबह निकली थी टीम और उस टीम का आईईडी ब्लास्ट करवा दिया गया। सीआरपीएफ की 153 बटालियन के सभी जवान हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आईईडी ब्लास्ट में 5 जवान घायल हुए हैं। तर्रेम और गुंडम के बीच की ये घटना है और सुबह जो टीम है वो एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी और सीआरपीएफ की 153 बटालियन के ये सभी जवान हैं। बीजापुर के उसूर के तर्रेम इलाके की ये घटना है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पे आईईडी ब्लास्ट में 5 जवान घायल हो गए हैं और बता दें कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लाया गया था। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, सुबह टीम एरिया डोमिनेशन के लिए निकली हुई थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बीजापुर से, जहाँ पे सीआरपीएफ की 153 बटालियन के सभी जवान